तेल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार ऐसी पड़ रखी है कि घर का बजट तक बिगड़ रहा है। एक बार फिर से महंगाई की ये मार पड़ रही है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी क्या हुई है ये भी आपको बता दें, तो 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 104 रुपए के पार पेट्रोल प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की बात कर ले, 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर अब डीजल के दाम है। तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताए हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में मानो आग लग गई है। और देखिए, आए दिन महंगाई आम जनता पर भारी पड़ती जा रही है, सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। रोजमर्रा अपने वाहनों से दफ्तरों को जाने वाली वो जनता अब बेहाल है। वजह है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने घर के मासिक बजट को हिलाकर रख दिया है। और क्योंकि ये दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर होगा। ऐसे में जो आसपास चलने वाले ऑटो हैं या फिर टैक्सीज हैं उनको लेकर भी ये देखा जा रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तो सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो के जो किराया है वो भी बढ़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी असर है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने का। और अब इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रखे हैं, दिल्ली में सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ गए, ऐसे में महंगाई की दोहरी मार त्योहारी सीजन में पड़ती नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कितना असर, आम आदमी की क्या राय? जी बिल्कुल, देखिए आरती, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से लगातार महंगाई अपने चरम पर है, चाहे फिर पेट्रोल की बात कर जाए, डीजल की बात कर जाए या फिर सीएनजी और गैस की बात कर जाए, तमाम उन चीजों की जो कि रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होते हैं, लोगों के लिए जो है वो आने जाने के साधन के रूप में यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी के रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता का जो है वो पूरे तरीके से बजट खराब होता दिखाई दे रहा है। अभी इस समय हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आज के ताजा रेट जो है वो 104 के आसपास पेट्रोल के पहुंच चुके हैं और लगभग 94 रुपए 55 पैसे के हिसाब से जो है वो डीजल के रेट हो चुके हैं। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लगातार जिस तरीके से महंगाई जो है वो चरम पर है, तो उसको लेकर के लोगों की जो बजट है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों का बजट जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आपका क्या नाम भैया, क्या कहना चाहोगे लगातार? अरे मैं कुछ साथ है इनसे पूछ रहा हूं। देखिए सब दबी जुबान से जरूर ये कह रहे हैं कि लगातार जो है वो कि कुछ भी ऐसा कहने लायक नहीं है, कि क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है। राकेश कुमार, हम ये कहना चाहेंगे कि जो है जरूरत से ज़्यादा रेट बढ़ रहा है और कस्टमर यहाँ बहुत ही पागल हुई पड़ी है और रेट कम होना चाहिए जो है, क्योंकि कस्टमरों को यहाँ डेली में मजमज होता है यहाँ पे रेट को लेके। और हर जनता ये कह रही है कि जो है ना तो रोड बनाया जा रहा है, ना जो है देश का विकास हो रहा है और महंगाई महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल है, रिफाइंड है, घी है, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। कुल मिला के ये सरकार जो है रद्द है, ये जनता कह रही है। देखिए कहीं ना कहीं ये पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, इन लोगों का भी साफ तौर से कहना है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, एक बार हम युवाओं से देखिए कुछ भी जो है वो लोग आज की डेट में ऐसे हो चुके हैं कि लगातार जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है, तो वो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। आप पेट्रोल पंप पे मैनेजर हैं, आप क्या नाम? एसपी यादव मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से रेट बढ़ रहे हैं तब से कस्टमर लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पहले मुझे 70 रुपये मिलता था, अब 1 लीटर का तो इतना कैसे हो गया, मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, मेरा सुई नहीं उठ रहा है, बड़ी दिक्कत है। या तो एक बार एक बार मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि एक बार ही रेट बढ़ा दें, जिससे कस्टमर और हमारे पेट्रोल पंप वालों से लड़ाई मत हो। डेली बढ़ाते हैं, आज इतना था कल उतना है, बड़ी दिक्कत होती है हमारे लिए। यानी कि आपसे झगड़ा करते हैं क्योंकि लगातार रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, रेट दिखाओ ये है कैसे, कल इतना था, अब उनको तो पता नहीं लगता है। मैंने कल इतने डलवाया, इतने पॉइंट पहले 1 लीटर मिलता था, अब कम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? मशीन साथ चला रहे हो, कई दिक्कत होती है। देखिए दिक्कतों का सामना खुद पेट्रोल पंप जो कर्मचारी हैं उन लोगों को भी करना पड़ रहा है आरती, और इसको लेकर के लगातार जो है वो इनका झगड़ा
जिस तरीके से लोगों के साथ होता है, कस्टमरों के साथ होता है, तो उसको लेकर के इनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए संभावना यही बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आप सोच सकते हैं कि जब आप 70 रुपए पेट्रोल डलवा रहे थे तो आज जो है वो 104 रुपए के आसपास हो गया, तो कितना बजट जो है वो इसमें खराब हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में एक चीज की बात नहीं करी जाए, रसोई गैस की बात कर ले, हम खाद्य सामग्रियों की बात कर ले। बिल्कुल, और मैनेजर का ये भी कहना है कि लोग आकर उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है क्योंकि पेट्रोल तो महंगा हो गया है, और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो देखिए फरीदाबाद के बाद अब हम बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। करण, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है, ऐसे में आम जनता क्या मांग कर रही है, क्या राय रख रखी है? बिल्कुल आरती, देखिए गुरुग्राम की बात करें तो बीते 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और अगर आज की बात करें तो आज गुरुग्राम में जो पेट्रोल है उसका दाम 102 रुपए 45 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं डीजल के दाम अब बढ़कर 94 रुपए 26 पैसे पहुंच गए हैं। यानी कि देखिए बीते कई दिनों से जो पेट्रोल डीजल के दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो अब बढ़ते दामों पर काबू पाने पे कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आ रही है। लोग जो है पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं और उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जेब पर असर पड़ता है, घर का बजट जो है वो बिगड़ता है। कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए लोग यही कह रहे हैं कि परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से घर का बजट भी बिगड़ता है। कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो हो रही है। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, और जो भी सैलरी है वो तो उतनी है, सारा बोझ परिवार पर पड़ रहा है इसका, तो थोड़ा बहुत सस्ता होना चाहिए। अच्छा, घर का बजट भी करता है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं? तो इफेक्ट तो सब पे पड़ता है ना, फैमिली पे पूरी भी पड़ता है, घर के बजट पे ही पड़ता है सारा। तो देखो सारी चीज़ें बेसिक सैलरी से ही डिपेंड करती हैं, अब वो खर्चे नेसेसरी भरेंगे तो फिर वो बजट पे ही आएंगे ना सारे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम। बिल्कुल आरती, देखिए लोगों का यही कहना है जो आमदनी है वो उतनी की उतनी है, लेकिन जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ और लोग उनसे जानते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप पेट्रोल डलवाने यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या परेशानी हो रही है क्योंकि दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं? दाम सर परेशानी तो हो ही रही है, परेशानी तो जनता परेशान है। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो कर रही है अच्छी कर रही है, इनसे बात कर ले, सही कर रहा है, बता देंगे। देखिए आरती, लोग जरूर यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे क्योंकि एसेंशियल चीज है, बिना पेट्रोल की जिंदगी कहा जाता है नहीं चल सकती, लेकिन अगर इस तरह दाम बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं लोगों की जो जेब है उस पर इसका असर पड़ रहा है, जो घर का बजट है वो भी लगातार बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, गृहस्थी की गाड़ी चलाना पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी ने मुश्किल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया करण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, साथ ही साथ अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रखे हैं, आम जनता त्रस्त हो चुकी है, हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग इजाफा ही देखने को मिल रहा है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। रिपोर्ट देखिए। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो गई है, रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है, रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर महंगाई के इस दौर में कैसे गुजर बसर होगा। कोरोना के कारण कारोबार पर तो पहले से ही विपरीत असर पड़ चुका है, ऊपर से हर रोज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर जले पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर बोझ डाल दिया। बात करें दिल्ली की तो एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल के दामों में भी 35 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 79 पैसे तो डीजल 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तो 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर डीजल है। कोलकाता में 105 रुपए 43 पैसे पेट्रोल तो 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर डीजल है। चेन्नई में 102 रुपए 10 पैसे पेट्रोल तो 97 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर डीजल है। आम आदमी को था देखो थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन पेट्रोल, बट आई थिंक देश की इकोनॉमी के लिए जो पहले सब्सिडीज वगैरह सरकार देती थी पेट्रोल पे, इसलिए रेट कम था,
अब बढ़ रहा है क्योंकि सब्सिडीज हटा दी है जी। बहुत परेशानी है जी, बड़ा नुकसान है जी। हमारा धंधा तो उतना ही है, रेट उतना ही है हमारा काम करने का। डीजल जी दिन पे दिन बढ़ रहा है जी। आम आदमी को परेशानी क्यों नहीं है जी? बहुत परेशानी है हमें। सरकार को यही कहना चाहते हैं सर, जैसे आप डीजल पे बढ़ाते हो तो हमारा भी कुछ है वो होना चाहिए। डीजल पे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है बढ़ने की। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया। महंगाई जनता पर कहर बनकर टूट रही है, तो वही ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण पिछले एक साल से व्यापार नौकरी ठप है और लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि कोरोना की मंदी से उबरने का मौका मिलेगा, ऐसे में पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ा रही है। इसे लेकर लोगों की क्या राय है वो भी सुन लीजिए। क्या कहना है, हालत खराब हो गई हमारी, पर डे बढ़ रहा है ये। एक आज थोड़ी ना बढ़ रहा, पर डे पेट्रोल बढ़ रहा है पर, और जेबें खाली होगी हमारी। हालत इतनी खराब है कि पूछो मत। जब पेट्रोल डालते तो ये सोचते हमारा खून सूख रहा है इस पेट्रोल को डालते डालते। देख महीने से बढ़ा ही रही है, घटा कब रही है? असर तो सबको पड़ता है, किसको नहीं पड़ता है? बहुत बढ़ गया, सारा बढ़ गया। सब्जी महंगी, सब चीज महंगी हो गई, उसकी उससे दालें महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया, सब कुछ महंगा है, कुछ भी सस्ता नहीं है। महंगाई दर बहुत बढ़ गई। फर्क तो इसको 700 रुपये कमाओगे, जब भी 1 रुपया घर लौट के नहीं जाएगा। खाने पीने गैस दिहाड़ी में ही खत्म हो जाएंगे। अब उसके ऊपर काम होगा, जब भी तो बच के जाएंगे घर पे। 700 रुपये कमाएंगे, उसके बाद भी 1 रुपया घर पे लौट के नहीं जाएगा। हाँ, अकेला इतना आप शरीर अपने शरीर में खर्चा है, गाड़ी में खर्चा है। ये तो गलत है ना, इतना रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जो सारी रात सारा दिन जो कमाते हैं, क्या दिहाड़ी निकलेगी हमारी? कुछ नहीं होगी भाई, इतना नहीं होना चाहिए और इसको कम कर दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बेलगाम हो रखे हैं, ऐसे में लोगों में नाराजगी भी है। क्योंकि अगर यूं ही दाम बढ़ते रहे तो पेट्रोल डीजल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने महंगाई को ऐसा तड़का लगा दिया है कि आम आदमी के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं, घर का बजट बिगड़ गया है। और अब हम रुक करेंगे खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप का। प्रदीप, देखिए लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रखे हैं, ऐसे में आम जनता मांग ये करती नजर आ रही है कि महंगाई पर कहीं तो कंट्रोल हो, कहीं तो ब्रेक लगे। आप ये बताइए कि क्या कहना लोगों का, क्या राय लोग दे रखे हैं, कितनी परेशानी अब पेश आ रही है बढ़ते दामों को देखते हुए? जी आरती, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब से शतक पार किया है पेट्रोल के दाम ने, तब तक आम आदमी परेशान हो चुका है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर हैं और मैं सबसे पहले आपको रेट दिखाना चाहूँगा। जो सादा पेट्रोल है वो 101.62 पैसे हो चुका है और जो पावर की हम बात करें वो 105 से ज़्यादा जा चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आम जनता है वो कितनी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल आगे आगे चल रहा है और डीजल पीछे पीछे आ रहा है, वो भी शतक के करीब पहुंच चुका है। आम आदमी हमारे साथ मौजूद है, पूछना चाहेंगे कितना असर पड़ता जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि 100 को पार कर सर ये तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ से पूर्ति करेगा इसकी? बहुत ज्यादा असर, और आगे तो अभी तो इतना और आगे पता नहीं कितना बढ़ेगा। ये तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा करे कि पेट्रोल के दामों में, इसको सरकार को जिम्मेदार मानेंगे जी, सरकार के अंडर में ही होता है ये तो इसके इससे आगे तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। कहने का मतलब यही है जी कि पेट्रोल के दामों में थोड़ा सा हिसाब किताब थोड़ा कम करो, और ऐसा ना हो कि आगे से आगे बढ़ता जाए तो गरीब आदमी कहाँ से कहाँ जाएगा, क्या करेगा? खाएगा या पेट्रोल गाड़ी को पिलाएगा, क्या करेगा? तो देखिए आम आदमी परेशान है कि वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। हम पेट्रोल और डीजल की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल की अगर बात करें तो इस महीने 4 रुपये बढ़ चुका है और डीजल की 3.5 के करीब बढ़ चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पर कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर त्योहारी सीजन है, अन्य चीज़ों की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, वो CNG हो या फिर खाने पीने की चीज़ों हो, ऊपर से जो पेट्रोल है और डीजल के रेट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं जी। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी को काफी परेशान कर दिया है, मांग यही लोग करते नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ गिरावट नजर आए। तो वही कहना ये भी है, जो पेट्रोल डीजल के जो पंप है वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का, मैनेजर्स का, कि उन्हें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोग आते हैं उन पर चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ पर पेट्रोल डीजल पंप के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है?
देखिए पेट्रोल कर्मचारियों से ही हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि देखिए एक तो मैं पूरे पेट्रोल पंप की तस्वीरें आपको दिखा देना चाहूंगा। पेट्रोल कर्मी जो है उनका ये कहना है कि एक तो संख्या कम हो चुकी है और जो पेट्रोल की खपत थी वो कम होती जा रही है। इनसे पूछना चाहेंगे अभी हालात कैसे है, क्योंकि जो रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कमी सेल में कमी आई है, किस प्रकार की दिक्कत है? कस्टमर आपको नहीं बोलता? बोलता है जी। क्या बोलते हैं? कि रेट महंगा हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में थोड़ी है रेट। झगड़ा भी होता है? नहीं, झगड़ा तो नहीं होता जी। एक का आदमी आता है, कोई कोई आता है जो बहस करता है, यानी बाकी सभी ठीक है। रेट बढ़ चुका है अभी एक महीने की बात करें, एक महीने में 3-3.5 रुपए बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और सादे की बात बताइए, सादे में भी और पावर में भी। तो देखिए यहाँ पर जो खपत है वो कम हो गई है और सेल भी कम हो गई है, और कुछ कस्टमर ऐसे है जो पेट्रोल डलवाते हैं लेकिन जल्द खत्म हो जाता है, ये कंप्लेंट उनकी। कभी कभी ऐसे झगड़े भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी 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 प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस तरह आम लोग परेशानी झेल रखे हैं। और अब रुक करेंगे करनाल का, करनाल से खबरें अभी तक के संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हिमांशु से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से असर नजर आ रहा है करनाल में। तो करनाल में हिमांशु क्या असर नजर आ रहा है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता कितना त्रस्त है, क्या कह रही है जनता? सिर्फ करनाल में नहीं, पूरे भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे आम जनता खासी परेशान होती हुई नजर आ रही है। एक बार अगर बोर्ड पर नजर डाल लें तो इतना पेट्रोल का दाम शायद इस मशीन ने भी इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। पेट्रोल के दाम 101.87 रुपए हो गए हैं, वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 93.70 रुपए जो सिंपल डीजल है उसका दाम हो गया है। आज भी जो पेट्रोल डीजल है 35-35 पैसे बढ़ा है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, किस तरीके से देखते हैं रोजाना जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? पेट्रोल तो आग लगा रखी है मोदी साहब ने, और क्या, कुछ नहीं है। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो कुछ नहीं होता जी, अपील करके जब तक टैक्स ऐसे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आम लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अपील क्या ही की जाए, 101 रुपए के पार पहुंच चुका है। पहले कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवाते हैं? 50 डलवा रहे थे, अब 200 डलवाना पड़ रहा है कम से कम। कितनी परेशानी हो रही है, कितना जेब पर असर पड़ता है? जेब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, कोरोना के कारण महंगाई बढ़ रही है और तेल का महंगा हो गया। ये आम पब्लिक है और आम पब्लिक इसी तरीके से तरस नजर आती है, और लोग भी हमारे साथ हैं। अंकल, जेब पर असर पड़ता है, महंगाई लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल पड़ता है, पड़ता है। ये आम जनता है, आए हैं पेट्रोल डलवाने, रेट देखा है 101.87 रुपए। रेट तो रहा सर, क्या करे, पुआना तो पड़ेगा ही जी। हिमांशु में और तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल हिमांशु, कह सकते हैं कि लोगों में एक नाराजगी है और लोग मांग कर रखे हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के इन बढ़ते दामों पर लगाम लगे।